नमस्कार, मैं जानवी, स्वागत है आपका बुंदेलखंड न्यूज 24 में। चलिए लेते हैं खबर शुरू होने से पहले छोटा सा ब्रेक। समस्त ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों, इष्ट मित्रों को नववर्ष एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कोरोना से बचाव के लिए स्वच्छता, हाथ साफ करते रहें एवं 2 गज की दूरी बनाए रखें। हमारी ओर से क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासी समस्त नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं झांसी की खबर की ओर। नववर्ष के मौके पर झांसी दुर्ग में सैलानियों की भीड़ भाड़ देखी। लोग झांसी के लेकर टिकट लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे रहे, घंटों टिकट की लाइन में खड़े होकर टिकट लिया, साथ ही किले के अंदर जाकर सेल्फी के जरिए नववर्ष में किया उस अंदाज को मोबाइल में कैद और नववर्ष की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और मौज मस्ती की। झांसी से संवाददाता मनीष अली की रिपोर्ट। सर आपका शुभ नाम? आदित्य। कहाँ से आए सर आप? नमा एमपी। हाँ, तो क्या आज आप किले आए, आपको कैसा महसूस हुआ है, कैसे आपने पार्टी अपनी एंजॉय कर ली? अभी तो आई है, एंजॉय तो अभी करी नहीं, एंजॉय करने वाले हैं। कितनी देर में आपको टिकट मिला? टिकट मिलने में लग गया, 1 घंटे के समथिंग टाइम लग गया, भीड़ बहुत है। आज के दिन टिकट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आज के दिन हमें लगता है टिकट तो नहीं होना चाहिए, या अगर है तो मल्टीपल कियोस्क बनाना चाहिए, होना चाहिए या ऑनलाइन होना चाहिए, ताकि भीड़ ना लगे यहाँ पे और वो व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था बना सके, या फिर मल्टीपल कियोस्क आप लगा दो वहाँ पे। ऑनलाइन की सुविधा सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगी।